दोस्तों ईरानी कप में सरफराज खान ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए डबल सेंचुरी जड़ दी है। जी हां दोस्तों, भारत में हो रहे ईरानी कप के फाइनल में वेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 253 गेंद में 200 रन का आंकड़े छू दिए हैं, जिनमें 23 चौके और 3 गेंदों चुमी छक्का शामिल थे। सरफराज खान अभी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि सरफराज खान को तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम में जगह मिल जाएगी। लेकिन सरफराज खान को भारतीय टीम में मौका नहीं दी जा रही है, तो सरफराज खान को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए नहीं? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।